फ्रेंड, तो आज हम लोग देखेंगे राइज एंड फॉल मेथड का प्रयोग करके आरएल कैसे निकालते हैं। तो फ्रेंड, हमारे पास एक ये प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम में क्या क्या दिया हुआ है वो एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है, द फॉलोइंग रीडिंग वॉज टेकन विथ ए लेवल एंड 4 मीटर स्टाफ। बेंचमार्क इसका दिया हुआ है 100, जो कि फर्स्ट पॉइंट का है। और यहाँ पर स्टाफ रीडिंग दिया हुआ है, द इंस्ट्रूमेंट वॉज शिफ्टेड आफ्टर 4th एंड 8th रीडिंग। मतलब फ्रेंड, इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हुआ है 4 नंबर और 8 नंबर पॉइंट पर। मतलब फ्रेंड, ये अगर 1 2 3 4 इस पॉइंट पर एक बार इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हुआ, 5 6 7 और इस पॉइंट पर एक बार इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हुआ, तो फिर फ्रेंड यहाँ पर जितने सारे पॉइंट है, इस पॉइंट में से कौन सा पॉइंट बैक साइड है, कौन सा पॉइंट इंटरमीडिएट साइड है और कौन सा पॉइंट फोर्थ साइड है, वो कैसे जानेंगे। तो फ्रेंड, इंस्ट्रूमेंट सेट होने के बाद, जो मानिए ये आपका इंस्ट्रूमेंट है, तो इंस्ट्रूमेंट सेट होने के बाद जो पहला पॉइंट आप लेंगे, ये पहला पॉइंट है, तो पहला पॉइंट को हम लोग बैक साइड कहते हैं और लास्ट के पॉइंट को हम लोग फोर्थ साइड कहते हैं, और बीच के जितने सारे पॉइंट है इसे हम लोग इंटरमीडिएट साइड कहते हैं। तो फ्रेंड, ये हमारा पहला पॉइंट है, तो ये हो गया बैक साइड 2.375। और 4 नंबर पॉइंट में हमारा मशीन फिर से शिफ्ट हुआ, तो ये हमारा हो गया फोर्थ साइड। तो बीच का ये दोनों पॉइंट हो गया इंटरमीडिएट साइड, तो ये 2 नंबर पॉइंट इंटरमीडिएट साइड पे आ गया 1.730। तीसरा पॉइंट भी आ गया इंटरमीडिएट साइड पे 0.615। और ये चौथा पॉइंट आ गया, क्योंकि ये लास्ट रीडिंग है, इसके बाद हमारा इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट होगा, यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये हमारा आ गया फोर्थ साइड में 3.450। तो फ्रेंड, अब हमारा मशीन शिफ्ट हो गया, तो मशीन शिफ्ट होने के बाद जो ये पॉइंट था, जो हमारा फोर्थ साइड था, उस फोर्थ साइड के पॉइंट को हम लोग मशीन शिफ्ट होने के बाद, मशीन यहाँ पर शिफ्ट हो गया, तो दोबारा हम लोग इस पॉइंट को ही देखेंगे, तो ये अब हमारा हो गया ये पॉइंट ही बैक साइड। मतलब फ्रेंड, ये जो है ये पॉइंट अब आ गया बैक साइड में, उसी 4 नंबर पॉइंट का ये बैक साइड आ गया 2.838। ये पॉइंट को मशीन शिफ्ट होने के बाद हम लोग दोबारा इसी पॉइंट को देखेंगे, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, तो फर्स्ट पॉइंट बैक साइड में आ गया। अब फ्रेंड, हमारा ये वाला पॉइंट बीच का पॉइंट है, इसलिए इंटरमीडिएट साइड 2.070। ये वाला पॉइंट भी हमारा इंटरमीडिएट साइड पे आएगा 1.835। फिर यहाँ पर दोबारा से हमारा इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हुआ, तो ये हमारा लास्ट पॉइंट हुआ, तो ये हमारा फिर से आ गया फोर्थ साइड में 0.985। वैसे करके ये वाला पॉइंट मशीन फिर से शिफ्ट हुआ, तो ये वाला पॉइंट पहला पॉइंट हो गया, तो पहला पॉइंट हमारा मशीन शिफ्ट होने के बाद ये बैक साइड में आता है, पहला पॉइंट 0.435, ये बैक साइड हो गया फ्रेंड। फिर ये बीच का पॉइंट फिर से, तो ये इंटरमीडिएट साइड 1.630। ये वाला पॉइंट भी इंटरमीडिएट साइड पे 2.255। तो फ्रेंड, ये हमारा लास्ट का पॉइंट है, तो लास्ट पॉइंट फोर्थ साइड में। तो फ्रेंड, हमारा यहाँ बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड और फोर्थ साइड बैठ गया, तो हम लोग इससे अब राइज और फॉल कैसे निकालेंगे। तो फ्रेंड, अब हम पहले वाले स्टाफ रीडिंग से दूसरे वाले स्टाफ रीडिंग को माइनस करेंगे। अगर रीडिंग प्लस में आता है तो ये राइज होगा, अगर रीडिंग माइनस में आता है तो ये फॉल में जाएगा। 2.375 माइनस 1.730 माइनस करने में ये रीडिंग प्लस में आता है, तो ये वाला पॉइंट हमारा राइस में आएगा, तो ये कितना आ गया 0.645, ये हमारा राइस में आ गया। तो फ्रेंड, फिर हम लोग अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को माइनस करेंगे, तो इससे माइनस करने से कितना आता है, ये आ गया, ये पॉइंट भी हम लोगों का प्लस में आएगा, तो ये पॉइंट भी राइस में आ जाएगा प्लस में। मतलब तो फ्रेंड, ये आ गया हमारा 1.115। फिर हम लोग
इस पॉइंट से इस पॉइंट को माइनस करेंगे, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को माइनस करने में रीडिंग प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है फ्रेंड? तो इस पॉइंट को अगर इस पॉइंट से माइनस करेंगे तो रीडिंग माइनस में आएगा, तो ये वाला पॉइंट हमारा फॉल में जाएगा, तो ये कितना आ रहा है 2.835। तो फ्रेंड अब हम इस पॉइंट का राइस या फॉल निकालने के लिए, अब मशीन शिफ्ट हो गया, तो हम लोग अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को माइनस करेंगे, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को माइनस करने में नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है फ्रेंड? तो माइनस करने के बाद ये वाला हमारा पॉजिटिव में आया, तो पॉजिटिव में आया तो इसलिए ये भी राइस में होगा, ये आ गया फ्रेंड हमारा 0.765। फिर हम लोग फ्रेंड इससे इसको माइनस करेंगे, तो ये वाला पॉइंट भी हम लोगों को पॉजिटिव में आया, तो ये भी राइस में होगा, तो ये हो गया 0.235। फिर हम लोग इससे इसको माइनस करेंगे, तो ये वाला पॉइंट भी हमारा पॉजिटिव साइन आ रहा है, पॉजिटिव मतलब राइस, तो ये वाला भी हो गया 0.850। तो फ्रेंड फिर से हमारा यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पर पहले बार शिफ्ट हुआ था, तो यहाँ पर चेंज 0.1, और यहाँ पर दूसरी बार मशीन शिफ्ट हुआ तो चेंज 0.2, तो यहाँ पर मशीन शिफ्ट हुआ, तो यहाँ का राइस या फॉल निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से इसको माइनस देंगे, तो 0.435 माइनस 1.630, तो ये पॉइंट हमारा नेगेटिव में आएगा, मतलब ये पॉइंट फॉल में जाएगा, तो ये कितना फॉल में जाएगा फ्रेंड 1.195, ये पॉइंट हमारा फॉल में आ गया। फिर हम लोग इससे इसको माइनस करेंगे, तो ये भी नेगेटिव साइन आ रहा है, तो ये वाला पॉइंट भी हमारा फॉल में जाएगा, तो ये हमारा आ गया 1.630 माइनस 2.25, माइनस करने से कितना होगा फ्रेंड 0.625 फॉल में। अब फिर से 2.25 माइनस 3.630, ये माइनस करने भी हमारा नेगेटिव साइन आ रहा है, तो ये पॉइंट भी हमारा फॉल में जाएगा, तो ये आ गया 1.375। तो फ्रेंड राइज और फॉल हमारा निकल गया। तो फ्रेंड अगर हम इस पॉइंट का आरएन निकालेंगे, तो इस पॉइंट का आरएन निकालने के लिए पिछले वाले पॉइंट के साथ अगर राइज होता है तो प्लस होगा, अगर फॉल होता है तो माइनस होगा, तो 100 प्लस ये राइस हुआ, तो इसलिए प्लस 0.645, तो इस पॉइंट का आरएल निकल जाएगा, तो ये कितना हुआ फिर 1.00.645। फिर फ्रेंड अब इस पॉइंट के साथ जो अब आरएल निकला, इस पॉइंट के साथ अगर राइस हुआ तो प्लस राइस, तो यहाँ पर राइस हुआ तो 100.645 प्लस 1.115, ये प्लस होकर यहाँ का आरएल, तो यहाँ का आरएल कितना आ गया फ्रेंड 1.01.760, तो यहाँ का आरएल आ गया। तो अब इसका आरएल निकालने के लिए ये पॉइंट का आरएल अगर फॉल हुआ तो माइनस, तो यहाँ पर फॉल हुआ तो 1.01.760 माइनस 2.835, तो ये हमारा आ गया, इससे इससे माइनस देने पर ये कितना आ गया 98.925। फिर फ्रेंड अब इस आरएल के साथ ये हमारा ये वाला पॉइंट राइस में है, तो प्लस होगा 98.925 प्लस 0.765, तो ये आ गया हमारा 99.690। फिर नेक्स्ट पॉइंट भी राइस में है, तो इस पॉइंट के साथ ये प्लस होगा 99.690 प्लस 0.235, तो ये आ गया हमारा 99.925। फिर ये वाला पॉइंट भी हमारा राइस में है, तो 99.925 प्लस 0.850, तो ये वाला पॉइंट आ गया 1.00.775। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा फॉल में है, तो इस पॉइंट के साथ ये माइनस होगा 100.775 माइनस 1.195, तो ये आ गया हमारा 99.580। फिर हमारा ये वाला पॉइंट भी फॉल पे है, तो ये आ गया 99.580 माइनस 0.625, तो 98.985, ये आ गया हमारा फ्रेंड। तो लास्ट का जो पॉइंट है ये भी फॉल पे है, तो ये इसके साथ ये माइनस जाएगा, तो 97.580।
तो फ्रेंड अब हम लोग चेक कैसे करेंगे कि ये पूरा कैलकुलेशन सही है कि नहीं। तो चेक करने के लिए जो फॉर्मूला है ये है, ये समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड इज इक्वल टू समेशन ऑफ राइस माइनस समेशन ऑफ फॉल्स इज इक्वल टू लास्ट ट्रायल माइनस फर्स्ट ट्रायल। तो फ्रेंड हम लोग अब समेशन ऑफ बैक साइड मतलब जितने भी सारा ये बैक साइड है 2.375, 2.838, 0.435, ये तीनों का प्लस करके समेशन ऑफ बैक साइड आएगा। वैसे करके एक दो, ये दोनों दो तीन, तीन का प्लस करके ये हमारा समेशन ऑफ फोर साइड आएगा। ऐसे करके जितने हमारा राइस है इन सब का प्लस करके समेशन ऑफ राइस आएगा, वैसे ही फोर भी ऐसा आएगा। तो फ्रेंड ये हमारा आ गया 5.645, ये आ गया समेशन ऑफ बैक साइड। वैसे करके समेशन ऑफ फोर साइड भी आ गया 8.065, वैसे ही समेशन ऑफ राइस ये भी आ गया 3.610, वैसे ही समेशन ऑफ फॉल ये भी आ गया 6.030। तो अब हम लोग फ्रेंड इसे फॉर्मूला में देखते हैं कि हमारा कैलकुलेशन जो निकाला है राइस फॉल आर एल ये ठीक है कि नहीं। तो समेशन ऑफ बैक साइड हमारा आ गया ये 5.645 माइनस समेशन ऑफ फोर साइड ये आ गया 8.065 इज इक्वल टू समेशन ऑफ राइस आ गया 3.610 माइनस समेशन ऑफ फॉल ये आ गया 6.030 इज इक्वल टू लास्ट ट्रायल। तो हमारा फ्रेंड लास्ट ट्रायल कितना है 97.580, 97.580 माइनस फर्स्ट ट्रायल। तो फ्रेंड फर्स्ट ट्रायल हमारा कितना है, फर्स्ट ट्रायल है हमारा 100 जो दिया हुआ था हमारा क्वेश्चन में, जो दिया हुआ था फर्स्ट ट्रायल 100 8.645 माइनस 8.065, तो ये आ गया माइनस 2.420। फिर इसको करेंगे 3.610 माइनस 6.031, तो ये भी आ गया माइनस 2.420। फिर 97.580 माइनस 100, तो ये आ गया कितना 2.420। तो ये हमारा तीनों सेम आ गया, तो आपका पूरा कैलकुलेशन सही है। ऐसे ही सर्वे से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।